नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए ये जो अगस्त का महीना है किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम जो भी ग्रह की परिस्थितियां हैं वो देखते हैं कि मंगल की परिस्थिति कहे तो मंगल राहु का जो योग है 10 तारीख के बाद अलग हो रहा है, यानी कि अंगारक योग खत्म हो रहा है और मंगल आपके तृतीय स्थान में एंटर हो जाएगा 10 तारीख के बाद। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य जो है 17 तारीख तक आपके पंचम भाव में, उसके बाद आपके 6th हाउस के अंदर चला जाएगा। बुध की बात करें, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बुध ग्रह जो है आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो सिंह राशि में रहेंगे और उसके बाद वो आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि बुध की ये परिस्थिति है। शुक्र की बात की जाए तो 7 तारीख तक शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद वो आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र की भी ये परिस्थिति है, गुरु वक्र अवस्था में केंद्र स्थान में है, शनि वक्र अवस्था में अपने मकर राशि के अंदर भ्रमण करेंगे और राहु केतु की जो भी परिस्थिति है वो वहीं पर स्थित रहेंगे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो लग्न का स्वामी मीन लग्न के लिए होता है गुरु, जो आपके लग्न में वक्र अवस्था में है। तो देखिए, लग्न के अंदर वो वक्री है जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड बनकर भी है, तो नए नए जीवन में जो परिवर्तन है, कोई भी परिवर्तन यानी कि नई जॉब है या कोई बदलाव है, उसकी स्वीकृति आपको करनी चाहिए। और स्पेशली अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कोई भी जॉब के अंदर परिवर्तन करना, या आपको यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं आपके लिए गुरु लेकर आता है, जो काफी समय से अटके हुए कार्य है उनमें आपको सफलता प्राप्त होती है, नए कार्य के अंदर आपको इनिशिएटिव लेने में भी ये मदद करता है, पर ये आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, आपके डायमेंशन को बढ़ाता है, आपके ज्ञान के डायमेंशन को बढ़ाता है। और स्पेशली जो कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं या कोई भी एजुकेशन सेक्टर के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। मैं कहूँ कि ये एक एडवाइजिंग रिलेटेड जो भी काम करते हैं, जो लोगों को एक एचआर संबंधित कोई भी कार्य है या कहीं पर भी कंसल्ट करने का कार्य होता है, भले वो लीगल कंसल्टिंग हो, भले वो टीचिंग कनेक्टेड ट्यूशन क्लासेस वाले हैं, उन सभी के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। जो अथॉरिटेटिव पोजिशन पे है उनके लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। तो लग्नेश तो काफी मजबूत परिस्थिति में है, वक्र अवस्था में होने पर वो पॉजिटिवली कार्य करते हैं। अगर आपके खुद के जन्म के समय में अगर वो वक्र अवस्था में है तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करवाता है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, सेकेंड हाउस में मंगल राहु की युति है, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि वाणी में 10 तारीख तक तो आपको मैं कहूँ कि बहुत ही संभलना है। उसके बाद परिस्थितियां, अगर फैमिली मैटर है या कोई भी चीजें हैं कि जहां पर अग्रेशन नहीं आना चाहिए, आपकी वाणी में चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मंगल राहु बहुत अनएक्सपेक्टेडली कार्य करते हैं। तो अंगारक योग जब तक यहाँ पर है तब तक आपको फैमिली मैटर में पड़ने से बचना चाहिए, और वाणी यहाँ कटु हो जाती है, इंसान को काफी कड़वा बोलने पर वो मजबूर कर देती है, वो नहीं बोलना चाहता फिर भी उसको बोलना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि जो परिस्थिति है राहु सेकेंड हाउस में एक तरह से वाणी दोष क्रिएट होता है, तो थोड़ा बाद में भी देखिए राहु तो रहेगा ही यहाँ पर, तो लैंग्वेज के अंदर थोड़ा आपको 10 तारीख तक तो ध्यान रखना ही है, उसके बाद भी लैंग्वेज के अंदर यानी कि आपको जो भी बोलते हैं उन शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि तो बहुत पॉजिटिविटी है, उसको आप अपनी वाणी से खराब मत होने दीजिए। बाकी फाइनेंशियली कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 10 तारीख के बाद किए जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहां तक वो एक टाइमिंग ऐसा है कि वहां इन्वेस्टमेंट कभी कभी किसी के आकर्षण में आपके या किसी के बहकावे में आके कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपको नुकसान की परिस्थिति उठानी पड़ सकती है। किसी को भी आप अगर उधार पैसे देते हैं इस समय में तो थोड़ा आपको संभल के रहना चाहिए, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो 2 से 3 एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मंगल राहु की युति और उसके बाद मंगल तृतीय भाव में और शुक्र की राशि में है, तो वो आकर्षण के बेस पर किया हुआ कुछ डिसीजन होते हैं, तो थोड़ा 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं रहेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं, तृतीय शुक्र जो है इनिशियली तो 7 दिन तक चतुर्थ भाव में, उसके बाद आपके पंचम भाव में, और यहां पर क्या होता है कि ये सूर्य के साथ रहेगा शुरू के अंदर, तो मंगल के एंट्री के बाद यानी मंगल आने के बाद आपके भाग्य के अंदर वृद्धि जरूर होगी, आपके कर्म और भाग्य दोनों पर इसका असर पड़ेगा, जहां पर जो चीजें अटकी हुई है वहां उसको बूस्टअप मिलेगा, तो नए इनिशिएटिव नए परिवर्तन को स्वीकार किया जा सकता है कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ, किसी आकर्षण या कोई ऐसी ऑफर के जिससे आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, पर एडवाइस लेकर कार्य करें, तुमको लगता है कि क्योंकि यहाँ क्या है कि शुक्र की राशि है तो और शुक्र सूर्य की जो स्थिति है और शनि की दृष्टि है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेटिव होकर किए जाएं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त होता है, और भाग्य का सपोर्ट आपको ऑटोमेटिकली जैसे ही मंगल परिवर्तित होता है तो आपको प्राप्त होगा, आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है ये। और यहां पर मैं कहूं कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी आप इंटीरियर का कोई कार्य करते हैं, कोई डेकोरेटिव चीजों का कार्य करते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करवाता है, आपका प्रेजेंटेशन जो है और भी ज्यादा मजबूत होता है लोगों के सामने, तो ये एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध बनकर मुख्य रूप से आपके 6th हाउस में, तो 20 तारीख तक अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर तो परिस्थितियां फेवरेबल है, ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, जो भी परिस्थिति है, माता के स्वास्थ्य को लेकर भी 20 तारीख तक संभलने की परिस्थितियां हैं, उसके बाद डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ व्हीकल के लिए भी लोन लेना चाहते हैं, लोन की परिस्थितियां 20 तारीख तक बनती है कि जहां पर आप प्रॉपर्टी के लिए लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, तो परिस्थिति आपके लिए बेहतर है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ शुक्र भी 7 दिन तक रहेगा, इंसान को कुछ शौकियाना खर्चे भी करवाता है, तो देखिए मैं कहूँ कि लग्जूरियस एक्सपेंसेस के पीछे कैलकुलेटिव होकर कीजिएगा कार्य तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। घर के अंदर भी कुछ रिनोवेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ खर्च करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव के ऊपर यहाँ शुक्र है, 7 तारीख के बाद सूर्य है और शनि की दृष्टि है, तो बच्चों को लेकर 17 तारीख तक समस्या है। कैसे समस्या है कि जैसे उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको लेकर आप परेशान हो सकते हैं, और ये स्पेशली आपको उनके साथ आपके विचारों में मतभेद रहेंगे अगर वो आपके साथ कार्य करते हैं तो। और दूसरी चीज एक है कि उनके कुछ खर्चों को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहां पर भ्रमण करेगा 7 तारीख के बाद, तो उनकी उस वजह से भी कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। दूसरी चीज सूर्य शुक्र की युति यहां पर रहेगी 17 तारीख तक, ऑलमोस्ट 10 दिन तक ये साथ रहेंगे, तो जो जो लोग डिजाइनिंग संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए और लीगल प्रोफेशन को जो लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लॉ फील्ड में LLB या मास्टर्स करना चाहते हैं, उसमें कोई भी जज का एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये, तो यहाँ सपोर्टिव बेस बना हुआ है। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरे ही महीने थोड़ा ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ शुक्र सूर्य और शनि की परिस्थिति है, तो देखिए बहुत डरने वाली बात नहीं है, मगर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है तो कैलकुलेटिव होकर ही चला जाए तो अच्छा है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोन लेते हैं तो यहाँ पर रुक कर आपको चलना चाहिए, क्योंकि
यहाँ एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि इन्वेस्टमेंट किए जाए, लॉन्ग टर्म किए जाए तो ज्यादा अच्छा है, शॉर्ट टर्म गेन्स यहाँ पर मुझे ज्यादा नजर नहीं आते। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं, सिक्स्थ हाउस में बुध अकेला रहेगा और 17 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पर स्वग्रही पोजिशन में है और फिर बुध यहाँ 20 तारीख के बाद निकल के सप्तम भाव में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ बुध की पोजिशनिंग, जो भी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड चीजें हैं, बोन से कनेक्टेड चीजें हैं, वहां आपको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। प्लस स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी बढ़ती है क्योंकि मंगल बुध के ऊपर दृष्टि करेगा। तो ये एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि बुध के ऊपर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ब्लड में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ब्लड प्रेशर कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी होती है, तो उनको आपको संभल के रहने की जरूरत है। और देखिए लोन अगर प्रॉपर्टी के लिए किया जाए या कोई व्हीकल के लिए किया जाए तो ठीक है, मगर हो सके तो अपने एक्सपेंसेस के लिए मत कीजिएगा। लोन्स को बढ़ाने का कार्य बहुत ज्यादा मत कीजिए क्योंकि मंगल की दृष्टि की वजह से इंसान लोन बढ़ाता जाता है, फिर वहां उसको पे ऑफ करने में बहुत समस्या होती है। तो बहुत ही नेसेसरी हो तो ही लिया जाए तो अच्छा है। यहाँ सूर्य का जैसे आगमन यहाँ पर होता है तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाते। सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तमेश खुद से द्वादश में और 20 दिन तक की जो परिस्थिति है इनिशियली, तो यहाँ पत्नी के साथ जो संबंध है वहां पर उनकी हेल्थ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। और प्लस पति पत्नी के बीच के जो रिलेशनशिप है यानी कि लाइफ पार्टनरशिप की बात की जाए तो खुद से द्वादश है, तो 20 तारीख तक यहाँ रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स यानी कि कैसे कि थोड़ा क्लैशेस हो सकते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बाकी हेल्थ को लेकर भी उनकी आप परेशान हो सकते हैं, मगर 20 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको रिजल्ट्स 20 तारीख के बाद अच्छे मिलने हैं, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और नई कोई पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं तो वो 17 तारीख के बाद किया जा सकता है क्योंकि वो परिस्थितियां आपको फेवरेबल रिजल्ट्स प्राप्त करवाती है। तो ऑलरेडी अगर पार्टनरशिप में है तो 20 तारीख तक थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए। संभलना ऐसा है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना और फिर उसमें कोई भी प्रकार का रिएक्शन देना, डोमिनेटिंग होकर कार्य मत कीजिएगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी गुरु की दृष्टि की वजह से आपको उसके रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में केतु है जो काफी इंट्यूटिव बनाता है, आपको इंट्यूशन के बेस पर आप काफी डिसीजंस ले पाएंगे। पर सप्तमेश जो अष्टमेश जो है वो शुक्र है और वो आपके पंचम भाव में है, तो ये एक ऐसी चीज है कि आप अगर विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर थोड़ा धीमापन आपको महसूस होगा। दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ती है तो आपको अनएक्सपेक्टेडली गेन्स तो काफी होते हैं, मगर ये स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर कार्य करता है इंसान, तो आपको काफी इंटरनल डेप्थ के साथ आगे बढ़ाता है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि कुछ हिडन प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं, तो वहां जितनी आप क्लैरिटी कर सके उन चीजों से बाहर निकल सके। कोई भी ट्रैप है कि जहां पर आपको लगता है कि कोई आप उसमें कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हो सके तो कोई भी हिडन एक्टिविटीज से आपको बचना चाहिए। जो चीजें गुप्त रखकर आप करते हैं तो कभी कभी उससे प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म पे आपको आ सकती है, तो यहाँ आप संभल के रहिएगा, कोई भी सीक्रेटिव एक्टिविटीज से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति जो है मंगल है जो आपके द्वितीय स्थान में रहेगा 10 तारीख तक। भाग्य के अंदर जो एक वृद्धि होना वो आपको 10 तारीख के बाद महसूस होगा। मंगल की ऊर्जा से स्वगृही पोजीशन में होगा, पिता के साथ जो भी रिलेशंस हैं उसमें पहले से बेहतरी आएगी और मंगल के परिवर्तन से आपको अगर मेडिसिन प्रोफेशन के अंदर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो वहां भी आपको अच्छी सफलता ये प्राप्त करवाएगा। तो भाग्य में वृद्धि, इवन आप
कोई भी प्रकार का ट्रैवलिंग का कार्य करते हैं तो भी आपको काफी अच्छी बढ़ोतरी है उसमें, और रिसर्च ओरिएंटेड कार्य के अंदर भी आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त करवाता है 10 तारीख के बाद। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का अधिपति खुद लग्न में इस वक्र पोजिशन में, कोई भी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो परिस्थिति को भले ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में निकल कर भी आपको मैं कहूंगी कि कोई भी बदलाव है, मानसिक तनाव तो थोड़ा रहेगा मगर बदलाव से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी परिस्थिति है, यहाँ पर जॉब चेंज करना है, कोई बिजनेस के अंदर कुछ नया आप टेक्निकली चेंज करना चाहते हैं, कुछ नयापन चाहते हैं अपने कार्य में, एक साथ कोई दो एक्टिविटीज करना चाहते हैं साइड में, तो ऐसा कुछ भी कार्य करना हो, और अगर आप जॉब के अंदर कोई बदलाव की स्टेज पर है और वहां पर आप शुरुआत करने से थोड़े घबरा रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी बदलाव को स्वीकार करने में देखिए थोड़ा असमंजस जरूर रहेगा मगर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। बदलाव को स्वीकार कीजिए, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखिए मानसिक थोड़ा परिस्थितियां बदलने पर होता है मगर इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो यहाँ तनाव में से निकलकर जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, बदलाव को वो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट लेकर आएगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में शनि वक्र अवस्था में है, सूर्य उसको देखता है, जो मैं एक तरह से कहूँ कि एक्सपेंसेस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए। यहाँ पर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी है, तो मैंने कहा कि लीगल प्रोफेशन वालों के लिए तो अच्छा ही है, और ये शनि आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। मकर का वक्र अवस्था में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स प्राप्त करवाता है क्योंकि इसकी दृष्टि भी आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करवाते हैं। जो भी कार्य कीजिए उसमें डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। अगर कोई भी लीगल मैटर है, लॉ, कोई भी ऐसा केस, कोर्ट केस चल रहा है या कोई ऐसी समस्या है, तो वहां पर आपको रिएक्टिव नहीं होना बहुत ज्यादा। 17 तारीख तक की परिस्थितियां ऐसी है, और मंगल राहु का जो दृष्टि संबंध है, और मंगल उसके बाद चेंज होने के बाद भी 6th हाउस को देखता है, तो ऐसी परिस्थितियों में देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि रिएक्टिव नहीं होना, शांति बनाकर रखिएगा। शनि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है तो वो आपको रिलीफ भी देगा, और लग्नेश की स्थिति भी ऐसी है तो वहां पर आपको कोई भी प्रकार के रिएक्टिव लैंग्वेज से बचना है, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरा, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखिएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन या बाहर जाने वालों के लिए थोड़ा एटलीस्ट 17 तारीख तक चीजों में जो लेवल का आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं वैसे प्राप्त ना हो, क्योंकि सूर्य शनि की वजह से चीजें अटक जाती है तो धीमापन महसूस होगा, मगर जैसे ही आपका महीना आगे बढ़ेगा और 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां बाहर विदेश के कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त करवाती है। मीन लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।